है जौनपुर सिटी स्टेशन। सिटी स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन आएगी 4:20 पे और 5 मिनट ही बाकी है और 5 मिनट में ट्रेन आएगी। हम इतने सारे लोग हैं, सब मिला के 7 लोग हैं और 7 लोग में से मुझे मिला के 7 ही हुए। रुको जरा, सबर करो। लखनऊ हम पहुंच गए हैं और लखनऊ पहुंच के आके बैठे हैं। अब लखनऊ में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, शोर हो रहा है। अब यहाँ से ट्रेन है 11:30 बजे का और हम लोग पहुंच गए 8 बजे। 8 बजे से अब 11 बजे तक का हम लोग को वेट करना पड़ेगा। हम सारे के सारे बैठे हुए हैं, अब बैठ के हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ टाइम तक इंतज़ार करते हैं। कब तक पहुंचेंगे? यहाँ से 11:15 बजे तक की ट्रेन है। देखिए उसका तो ट्रेन सुबह मेरे ख्याल से 6 या 6:15 पे उतारेंगे, फिर वहाँ से हम लोग बस बुक करेंगे। बुक क्या करना है वो टिकट बस का लेंगे, फिर वहाँ से सीधे चलेंगे हम लोग आश्रम, वहाँ नहाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद की आगे प्लानिंग हम फिर बताते हैं। पहले आप यहाँ तक की वीडियो आ चुकी है, अब आगे ट्रेन जो आएगी फिर आपको आगे वीडियो दिखाते हैं। बात तो सही है। इंतज़ार ख़त्म, हमारी ट्रेन ये आ चुकी है, ये खड़ी है, हम लोग सीट के पास जाने वाले हैं। सत्यम आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे पीछे हूँ, तो ट्रेन को देखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं हमारा सीट नंबर कौन से डिब्बे में है, तो चलते हैं पहले ढूंढ लेते हैं। तो सुबह के बज गए हैं 7, हम लोग सो के उठ गए हैं और रात में अंधेरा होने की वजह से मैं रात का सूट नहीं कर पाया, तो सुबह उठते ही हम सारे के सारे बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं और कुछ ही टाइम बाद हमारा स्टॉप आ जाएगा और हम पहुंच जाएंगे काठगोदाम। और काठगोदाम पहुंचने से पहले हम लोग यहाँ डिब्बे में थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं और मस्ती करते करते, रात को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, सब थके हुए थे कि सब के सब सो गए थे, तो अभी को सब उठे हैं। A few moments later. हम लोग पहुंच गए हैं काठगोदाम और काठगोदाम स्टेशन पे है, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से निकलते ही हम लोग पहुँचेंगे बस, या कुछ भी रहेगा वहाँ से पकड़ के हम लोग चलेंगे कैची धाम और वहाँ मंदिर में दर्शन करेंगे। अभी मोनू भाई और छोला एकदम मस्त हो गए हैं, क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ निकलने के बाद मचाएंगे। सत्यम भाई एकदम सुंदर है, तुम लग रहे हो, क्या यूज करें ट्रेन में ये। काठगोदाम पहुंच तो गए, अब यहाँ कहाँ चलेंगे सीधा फिर पार्टी में जाएंगे। सबसे पहले चलेंगे भाई हम लोग आश्रम, आश्रम में चल के होटल रहेंगे, पहुँचने के बाद यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही धासु है और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे आसमान तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हाथों में है, हाथों में कहने का मतलब है जैसे कि बहुत ही नजदीक है, नजदीक है। और ये मेरा भाई यहाँ बादलों में तैरेगा उड़ेगा। स्टार्टिंग की है हम लोग, अभी यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ का नज़ारा देख के तो इसका चश्मा लग गया, मेरा तो पहले से लगा था। निकाल दे रहे भाई अभी अपना। यहाँ का कैसा लग रहा है? अच्छा तुम्हें बहुत ही बेहतरीन, वो देख रहे हो बादल, अरे भाई ऐसे देखे थे पहले ना, बादल ही देखे हम। और ये हमारे महेश भाई है। तो हम लोगों ने स्टेशन से एक तबेरा बुक किया जो 1,000 रुपये लिया और हमें काठगोदाम से सीधा कैची धाम आश्रम लेके पहुंचाएगा।
तो आप लोग ने सुना होगा कैची धाम आश्रम के बारे में, वो बहुत ही फेमस और बहुत ही माना जाना आश्रम है। आज हम लोग पहले वहीं पे जा रहे हैं, स्टेशन से उतरते ही हम लोग वहाँ पे निकल चुके हैं। तो ये कुछ नज़ारे हैं रास्ते के जो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छा। दो घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँच गए हैं कैची धाम, और कैची धाम के यहाँ से अभी अभी हम लोग जस्ट उतरे हैं। तो उतरने के बाद हम लोग पहले यहाँ पे रूम देखेंगे जहाँ पे अच्छे से हम लोग नहा धो सके और मतलब रेडी हो सके, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा आश्रम मतलब धाम में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे जो नीम करौली बाबा हैं, जो उनका वो आश्रम है और उनकी जो, तो हम लोग धाम में यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। ये जो बाबा नीम करौली धाम है, आप सब लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। जो यहाँ पे आता है, जो जिसकी जो इच्छा रहती है वो ज़रूर पूरा होता है। जहाँ आने पर अच्छे अच्छे की किस्मत खुल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग भी अपने कुछ इरादे, कुछ इच्छाएँ लेकर आए हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, देख रहे हैं नज़ारा। तो अभी हम लोग नहाए नहीं हैं, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं नहाने। तब से मैं नज़ारा देख रहा था। तो यहाँ से पानी बहता हुआ बहुत ही साफ़ और स्वच्छ पानी बह रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। तो हम सारे यहीं के यहीं नहाएंगे, और यहीं से नहाने के बाद सीधा धाम में चलेंगे। और बहुत मज़ा आया नहाने में। यहाँ आप देख सकते कितना अच्छा पानी, मतलब बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ पे। आप एक बार नहा लेंगे तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो के एकदम रेडी होके तैयार होके आ गए हैं मंदिर, और मंदिर के धाम में अब चलेंगे अंदर और अंदर का आपको दृश्य दिखाएंगे। हम सत्यम आ गए हैं, अभी बाकी सारे लोग पीछे हैं, लेकिन हम लोग पहले आ गए। तो हम लोग चलते पहले अंदर और अंदर आपको सब दिखाते हैं। फोन अंदर नहीं ले जा पाए, लेकिन बाहर से आपको सारा के सारा दिखा दिए हैं। तो बाहर से देखें उधर भारी वर्ग में फोटो खींचा उसका, चलिए ठीक है। यहाँ पर टूरिस्ट लोगों का फ़ोटो खींच रहा है, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन दर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, अंदर जाकर बहुत सुकून सा फील हुआ। हेलो, और क्या बताएं कि मतलब आना सफल हो गया, और जो मैंने चाहा कहा मुझे लगता है कि हो जाए। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही यहाँ का। तो यहाँ से निकलते हैं, अब आगे पहुँचते ही आपको बताएंगे आगे हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आगे यहाँ से हम लोग